आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि जब आपका फेस का फ्रैक्चर होता है तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रेया कृष्णा, योर ट्रस्टेड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। नाउ फेस के फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली तब सस्टेन होते हैं व्हेन यू हैव अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हेन यू आर इन द मिड्स ऑफ एन असॉल्ट और इंटरपर्सनल वायलेंस। बहुत कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरी के बाद भी हो जाता है। पीपल हु प्ले फुटबॉल, अ लॉट ऑफ क्रिकेट, हॉकी, उनको ये बॉल हिट करती है फेस पे एंड देन दे सस्टेन फ्रैक्चर्स। एंड समटाइम्स यू मे हैव अ सेल्फ फॉल ड्यू टू अ फेंटिंग एपिसोड और ड्यू टू सम इम्बैलेंस। सो इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से आपको फेस पे फ्रैक्चर हो सकता है। नाउ जब भी फेस पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एरियाज जिसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं? सो सबसे कॉमन ऑफ कोर्स नोज होता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सबसे ज़्यादा बाहर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। सो नोज में बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट, आपका जो ये लोअर जॉ है, इसमें वेरियस एरियाज ऑफ वीकनेस होते हैं जो बहुत ईजिली फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो आपका लोअर जॉ इज़ ऑल्सो वेरी प्रोन टू इंजरी। देन दिस इज़ द एरिया ऑफ द चीक, जिसमें आपका थोड़ा सा जो आई की बोन होती है, आई की सॉकेट होती है, उनके भी बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाला एरिया भी आपका कॉमनली फ्रैक्चर होता है। सो नाउ व्हेन योर फेस सस्टेन्स अ फ्रैक्चर या आपका कोई भी बोन होता है फेस का, अगर वो फ्रैक्चर हो जाए तो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, या वो आपको कैसे हार्म कॉज कर सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इम्पैक्टफुल ये है कि आपको मैल ओक्लूजन हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ मैल ओक्लूजन? मैल ओक्लूजन इज़ जब आपके दांत पहले की तरह ना मिले, यानी कि इनका पोजिशन चेंज हो के वो या ऐसे जुड़ रहे हैं या ऐसे जुड़ रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैल ओक्लूजन। सुनने में छोटी सी बात लगती है, बट एक्चुअली में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है व्हेन यू हैव मैल ओक्लूजन। यू आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, खाने में दिक्कत आती है, बात करने में दिक्कत आती है, स्वॉलो करने में दिक्कत आती है, यहाँ तक कि आपको इवन नॉर्मली रहने में भी दिक्कत आती है। सेकेंड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, आप अपना माउथ या तो पूरी तरह खोल नहीं पाते हैं या आपका माउथ ओपन रह जाता है एंड आप उसको अच्छे से बंद नहीं कर पाते हैं। थर्ड, आपको सर्टन एरियाज ऑफ द फेस में सुन्नपन महसूस हो सकता है। दैट मीन्स यू आर हैविंग नमनेस इन सम पार्ट ऑफ द फेस बिकॉज आपको कोई इंजरी हुई। हमारे फेस में तरह तरह की नर्व्स पास करती हैं, जैसे कि इन एरियाज में, जो उस एरिया को सेंस देती हैं, सेंसरी सप्लाई देती हैं। व्हेन यू हैव एन इंजरी और अ फ्रैक्चर, तो बोन्स के बीच में कभी कभी ये नर्व्स फंस जाती हैं, उससे आपको पैरेस्थीजिया, नमनेस या सुन्नपन हो सकता है। नाउ समटाइम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कभी कभी फेस की ये वाली बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है। दिस इज़ द बोन ऑफ द आई सॉकेट और द ऑर्बिट। जब ये वाला एरिया फ्रैक्चर होता है, देन यू हैव वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स एंड डिफिकल्टीज रिलेटेड टू योर आई। फॉर एग्जाम्पल, उन पेशेंट्स की आई थोड़ी अंदर चली जाती है, विच वी कॉल इनोप्थैल्मोस। उनको धुंधलापन नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लोपिया, और ब्लरिंग ऑफ विजन। नाउ आपको ये तो पता है कि अब आपका फेस का फ्रैक्चर हो गया एंड आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, हु इज़ द राइट डॉक्टर टू गो टू? नाउ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स आर बेस्ट ट्रीटेड फॉर दीज काइंड ऑफ इंजरीज बिकॉज वी कंबाइन द नॉलेज ऑफ योर फेस बोन्स, योर स्किन एज वेल एज द टीथ टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। नाउ फेस फ्रैक्चर्स के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं? नाउ बहुत कॉमनली एंड जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली, आप सबको पता होगा आजकल, प्लेट्स एंड स्क्रूज जो फेस के लिए बनाए जाते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। जो मटेरियल होता है इन प्लेट्स का, उसे कहते हैं हम टाइटेनियम। ये जो मेटल है, इसकी बहुत खूबियाँ हैं। फॉर एग्जांपल, ये बहुत पतला होता है, बहुत लाइट वेट होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब एक बार आपकी प्लेटिंग हो जाए फ्रैक्चर की, आप बाहर से अगर अपना स्किन टच करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई प्लेट लगी हुई है। Even though it is thin and light, but still इसकी स्ट्रेंथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता एंड ये दो टूटे हुए बोन के पार्ट्स को उतनी ही मजबूती से पकड़ पाता है। सेकेंडली, ये बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली एंड टिश्यू फ्रेंडली होता है। मतलब अगर हमने अंदर डाल दिया और ऊपर हमने उसको स्टिच अप कर दिया, अंदर ही अंदर आपका कोई इन्फेक्शन
या कोई रिएक्शन के चांसेस एकदम मिनिमल पे होते हैं अनलेस कोई दूसरे कारण से आपको इन्फेक्शन हो जाए। थर्ड, एक वहम होता है पेशेंट्स का कि अगर हमने प्लेट डलवा दिया तो हम अपना कोई स्कैन नहीं करवा सकते, कोई एक्सरे नहीं करवा सकते। ये भी गलत है। जो ये टाइटेनियम प्लेट्स होते हैं इनके ऊपर एक ऐसी फिल्म लगाई जाती है जिससे अगर आपको फ्यूचर में MRI, CT या कोई भी और एक्सरे करवाना पड़े तो आपको उस टाइम पे अपने प्लेट्स नहीं हटाने पड़ेंगे। दे कैन वेरी मच बी इन योर फेस फॉर योर लाइफ टाइम, दे विल नॉट अफेक्ट यू। हावेवर, अगर ऐसा कोई आपके पास आता है, ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसमें आपको MRI या CT करवाना है, प्लीज़ डू इन्फॉर्म योर ट्रीटिंग डॉक्टर ऑफ दैट टाइम कि आपके फेस पे प्लेट्स हैं। नाउ प्लेट्स, इवन दो दे इनकर सम कॉस्ट, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो सकता है सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो एक दूसरा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी हम ऑफर करते हैं फॉर फेशियल फ्रैक्चर्स, जो तब हम देते हैं जब अगर आपके दांत ठीक से नहीं मिल रहे हो। उससे कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हम आपकी जो ऊपर की हड्डी है और नीचे की हड्डी है, दांतों के पास वहाँ पे दो बार जैसे लगा देते हैं मेटल के, उनको यूज़ करके हम ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा फिक्स कर देते हैं। इसे कहते हैं IMF, यानी कि इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। 4 से 6 हफ्ते ये आपके मुंह को बांध के रखता है, उसके बाद खोल देते हैं एंड यू आर लाइक जस्ट लाइक बिफोर। नाउ इन ट्रीटमेंट्स के लिए जो जो इंसिजन, दैट मीन्स जो कट देने पड़ते हैं ताकि हम प्लेट डाल पाएँ, मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ आपके मुंह के अंदर से हो। उससे क्या होता है कि बाहर आपकी कोई स्कारिंग नहीं होती। कुछ ऐसी जगहें जिसमें अंदर ही अंदर करके प्लेटिंग बहुत मुश्किल होती है, जिस केस में हमें बाहर से कट देना पड़ता है। जो हम बाहर से कट देते हैं वो हम अपने सेंटर पे एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेन्ड हैं एंड हम इतने फाइन कट्स देते हैं कि आफ्टर हीलिंग पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे कुछ कट दिया भी गया था या नहीं। नाउ जो आपके इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो होते हैं आफ्टर योर ट्रीटमेंट, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होता है। अपने डॉक्टर से ध्यान से समझिए वेदर यू कैन रिज्यूम सॉलिड फूड्स और वेदर यू हैव टू कंटिन्यू ऑन अ सेमी सॉलिड डाइट। दूसरी चीज़, मुंह कितना खोलना है। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं कि आप नेक्स्ट डे से ही पूरा मुंह खोल सकते हो, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको मुंह थोड़े दिन के लिए बंद रखना पड़ता है। एंड लास्टली मेडिकेशंस, आपको अपनी मेडिकेशंस पूरे कोर्स के लिए एंड एकदम ठीक टाइम पे लेनी पड़ती हैं। If you follow all the advice and you get yourself treated at the right time, you will heal like before and you will not even know you had any facial fracture. Thank you for watching this video. Agar is video se aapke doubts clear hue hain, aapko pasand aaya hai, please subscribe to our channel for other related videos. Leave a comment if you have any other questions unanswered. Thank you.